गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन बच्चे. टुडे आई एम गोइंग टू रिसाइट अ पोयम दैट इज लिटिल बाय लिटिल. दिस इज योर फिफ्थ चैप्टर. आपका ये फिफ्थ चैप्टर है. सो ऑल ऑफ यू ओपन योर बुक. आप भी मेरे साथ बुक खोलिए और जैसे जैसे मैं रीड कर रही हूँ आपने भी फिंगर रखकर वहाँ वहाँ रीड करना है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट लिटिल बाय लिटिल. Even the biggest tree begins life as tiny seeds. Read about how the little acorn grew big. कहते हैं कि एक जो बड़ा से बड़ा पेड़ भी होता है वह अपनी ज़िंदगी की शुरुआत एक छोटे से बीज के साथ करता है. ऐसा तो नहीं है वो एकदम से एक बड़ा हो जाता है ना. तो सबसे पहले एक चाहे कितना विशाल पेड़ क्यों ना हो, बहुत बड़ा पेड़ क्यों ना हो, उसकी जो ज़िंदगी की शुरुआत है वो छोटे से बीज के साथ होती है. लाइक जैसे आप हो, आप एकदम से तो नहीं बड़े होते ना. आप पहले छोटे से बेबी होते हो, फिर धीरे 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 करके आप ग्रो करते हो. जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हो और आप ग्रो होते जाते हो, तो उसी तरह ये एक छोटे से ओक ट्री की कहानी है, एक पेड़ की कहानी है. वो बता रहा है कि किस तरह धीरे धीरे करके मैं बड़ा हो रहा हूँ और मैं एक बड़ा बिग ट्री बन रहा हूँ. लिटिल बाय लिटिल एन एकॉर्न सैट As it slowly sank in its mossy bed, I am improving every day, hidden deep in the earth away. Little by little, each day it grew, little by little it sipped the dew. तो देखो अब क्या कह रहा है. कहते हैं एक एकॉर्न कह रहा है. एकॉर्न क्या हुआ बेटा, जो ओक ट्री होता है उसका जो फ्रूट होता है, ठीक है. ओक ट्री क्या होता है, एक बलूत का पेड़ होता है, बहुत विशाल पेड़ हो जाता है जब ये बनता है. इसमें जो फ्रूट लगता है उसको हम क्या बोलते हैं, एकॉर्न बोलते हैं. तो कहते हैं ये देखिए, ये जो है ये फ्रूट है ओक ट्री का. तो ये कहता है कि मैं पहले क्या था, मुझे एक किस में डाल दिया था, एक सैंक क्या होता है, डुबो देना. तो मुझे किस में डुबो दिया था, एक मोजी बेड मतलब एक काईदार बिस्तर में. अब यहाँ पे बेड मतलब वो वाला बेड नहीं हुआ जिसमें हम सोते हैं. यहाँ पे बेड का मतलब यहाँ ग्राउंड बताया गया है. तो जो ग्राउंड है उसको वो बेड कह रहा है. कह रहा है एक काईदार बेड के अंदर मतलब ग्राउंड में उसको सैंक डुबो दिया गया था. आई एम इम्प्रूविंग एवरी डे, और मैं हर रोज़ जो है मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ. इम्प्रूविंग क्या होता है बेटा, सुधार है ना, डेवलप करना, कोई चीज़ में सुधार आना. तो और कहता है कि रोज़ जो है मेरे में एक सुधार आ रहा है. हिडन डीप इन द अर्थ अवे. हिडन क्या होता है बेटा, छुपा हुआ. डीप मतलब गहरा, ठीक है. और अर्थ अवे मतलब पृथ्वी में, इस धरती में मुझे कहीं दूर गहराई में मुझे छुपा रखा था. लिटिल बाय लिटिल ईच डे इट ग्रू, लिटिल बाय लिटिल इट सिप्ड द ड्यू. तो कहते हैं धीरे धीरे, लिटिल बाय लिटिल का मतलब हो गया यहाँ पे ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे मैं जो है बड़ा हो रहा हूँ और मैं सिप्ड कर रहा हूँ. क्या पी रहा हूँ मैं, ड्यू, ओस की बूंदें पीकर मैं बड़ा हो रहा हूँ. तो सिप्ड का मतलब क्या होता है, जब आप कोई चीज़ पीते हो ना उसको आप ब्रेक में पीते हो, मीन्स चुस्कियाँ लगाकर पीते हो. जैसे चाय पीते हो या आप कोल्ड ड्रिंक पीते हो तो उसको आप धीरे धीरे पीते हो ना सिप करके, उसको सिप बोलते हैं. और ड्यू होता है ओस की बूंदें. तो वो कहते हैं कि वो धीरे धीरे उसको पहले क्या किया, एक काईदार ज़मीन के अंदर उसको डुबो दिया गया, बहुत गहरा कहीं डुबो दिया गया. और धीरे धीरे वो बढ़ रहा है और वो ओस की बूंदें लेकर धीरे धीरे बड़ा हो रहा है. अब देखिए सेकेंड पैराग्राफ में, देखिए सेकेंड पैराग्राफ में क्या है. डाउनवर्ड इट सेट आउट ए थ्रेड लाइक रूट, अप इन द एयर स्प्रैंग अ टाइनी शूट. डे बाय डे एंड ईयर बाय ईयर, लिटिल बाय लिटिल द लीव्स अपीयर एंड द स्लेंडर ब्रांचेस स्प्रेड फार एंड वाइड टिल द माइटी ओक इज द फॉरेस्ट प्राइड. अब देखो सेकेंड पैराग्राफ में क्या बोलते हैं, सेकेंड स्टैंजा में क्या बोलते हैं. डाउनवर्ड, डाउनवर्ड क्या होता है बेटा, नीचे की ओर है ना. तो कहते हैं नीचे की ओर उसकी थ्रेड लाइक रूट, धागे की तरह पतली पतली रूट क्या होता है, जड़ें, उसकी पतली पतली जड़ें फैल रही है. अप इन द एयर स्प्रैंग ए टाइनी शूट, और ऊपर की तरफ, ये देखिए ये जो नीचे का हिस्सा हो गया ये रूट होता है, और जो ये ज़मीन से ग्राउंड के जो ऊपर वाला ये वाला हिस्सा हो गया इसको हम क्या कहते हैं, शूट कहते हैं, जो ऊपर वाला पार्ट होता है, ठीक है. तो कह रहे हैं नीचे की तरफ तो धागे की तरह पतली पतली मेरी जड़ें फैल रही है, और हवा की तरफ मेरी छोटी छोटी टाइनी, मतलब टाइनी तो मैंने आपको बताया था ना, छोटे छोटे स्मॉल छोटी छोटी शूट क्या होता है, टहनियाँ निकलना शुरू हो रही हैं. डे बाय डे एंड ईयर बाय ईयर,
मतलब दिन प्रतिदिन और सालों साल मैं धीरे धीरे बढ़ रहा हूँ, एंड द लीव्स अपेयर, और छोटी छोटी मेरे में पत्तियाँ अब नज़र आने लगी हैं। अपीयर्स का मतलब क्या होता है? दिखाई देना, मतलब अब धीरे धीरे वो पेड़ जो है, ओक का ट्री, इतना बड़ा हो रहा है कि उसमें जो है अब पत्तियाँ भी नज़र आने लगी हैं। जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं और साल बीतते जा रहे हैं तो वो बड़ा हो रहा है, ठीक है, और उसमें पत्तियाँ भी नज़र आने लगी है। एंड द स्लेंडर ब्रांचेस स्प्रेड फॉर फार एंड वाइड, और जो स्लेंडर का मतलब क्या होता है? पतली 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 ब्रांचेस मीन्स टहनियाँ, उसमें पतली ब्रांचेस टहनियाँ जो है वो दूर दूर तक, ये देखिए दूर दूर तक फैलने लगी हुई हैं, ठीक है। टिल द माइटी ओक इज द फॉरेस्ट प्राइड, जब तक वो कितना बड़ा नहीं हो जाता तब तक वो इस जंगल की एक शान नहीं बन जाता। प्राइड का मतलब क्या होता है? वैसे गर्व होता है, यहाँ पे जो है प्राइड का मतलब हो गया शान। तो कहते हैं वो धीरे धीरे वो पेड़ बड़ा हो रहा है जब तक वो उस जंगल की शान नहीं बन जाता, ठीक है। तो बहुत अच्छी पोएम थी बेटा, आपने ये अपनी नोटबुक में लिखनी है। इसके हम एक बार न्यू वर्ड्स देख लेते हैं। देखिए सबसे पहला क्या है? हिडन। हिडन का मतलब क्या होता है? छुपा हुआ। स्लोली मीन्स धीरे धीरे। डाउनवर्ड नीचे की ओर। स्लेंडर पतला या फिर कमज़ोर। माइटी ताकतवर। ब्रांचेस टहनियाँ। प्राइड गर्व। इम्प्रूविंग सुधार। सिप घूंट, और शूट मीन्स पतली टहनियाँ। तो ये न्यू वर्ड्स हैं। आपने आज क्या करना है बेटा? आज आपने ये अपनी नोटबुक में लिखोगे, ठीक है। यू हैव टू राइट दिस पोएम नीटली इन योर नोटबुक एंड एज वेल एज ड्रॉ दिस पिक्चर आल्सो, और एक ना ये पिक्चर भी ड्रॉ करना, ओके। तो ये देखिए आपको मैं बता देती हूँ, ये होता है ओक ट्री, ठीक है, ये आपका ओक ट्री है। और ये देखिए ये फ्रूट होता है, जो बलूत का पेड़ होता है उसमें जो, ये देखिए ये इस तरह का फ्रूट लगता है, ये फ्रूट है, फल है उस पेड़ का। इसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इसको हम एकॉर्न कहते हैं, ठीक है। ये एकॉर्न है, मतलब फ्रूट है ओक ट्री का। और ये देखिए ये बहुत बड़ा विशाल पेड़ होता है ओक ट्री, जिसे हम बलूत का पेड़ बोलते हैं। ओके बच्चों, आज आपने ये वाला काम करना है अपना, ठीक है। टिल देन बाय बाय।